नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। हरियाणा में कांटे की टक्कर, कांग्रेस को पीछे छोड़ बीजेपी निकला आगे। महाराष्ट्र में भाजपा 180 के पार, दूसरे नंबर पर शिवसेना, तीसरे पायदान पर कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों पर चिंता जताने वाले अमेरिकी नेताओं को घर में मिली नसीहत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आई लिंचिंग की याद, अपने खिलाफ महाभियोग से जोड़ा। कमलेश तिवारी को गोली मारने के दौरान मिस फायर होकर कातिल के हाथ में लगी थी गोली। कातिल ने हाथ में रुमाल बांधकर कमलेश तिवारी का चाकू से गला रेत कर की थी हत्या। दिवाली से पहले किसानों को केंद्रीय कैबिनेट ने दिया तोहफा, रबी फसल से पहले MSP बढ़ाने को मिली हरी झंडी। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकले पूर्व CM सिद्धारमैया को महिलाओं ने घेरा, कर्नाटक में बाढ़ से काफी नुकसान देखने को मिला था। सिलेबस की मुलाकात पर बीजेपी ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा पर्दे के पीछे ढेर सारी अनदेखी फुटेज। दिवाली को लेकर कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन वर्जन पटाखे जलाने की दी अनुमति, रॉकेट, बम और तेज आवाज वाले पटाखे पर लगा प्रतिबंध। कर्नाटक के विधायक ने स्कूली पाठ्यक्रमों से टीपू सुल्तान का चैप्टर हटाने की रखी मांग, येदुरप्पा सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है टीपू जयंती समारोह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में DK शिव कुमार को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिला बेल। लोन फर्जीवाड़े में आरोपी भूषण स्टील लिमिटेड को लेकर बड़ा खुलासा, जांच एजेंसी के मुताबिक भूषण स्टील के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं तार। RSS की इकाई भारतीय शिक्षण मंडल ने कांग्रेस को दी चुनौती, कहा अभिजीत बनर्जी पर दिखाएं भरोसा, अपने राज्य में लागू करें न्याय। भारतीय रेलवे ने रद्द की 300 से ज्यादा ट्रेनें, भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। पेट्रोल पंप खोलने के नियम में मोदी सरकार ने किया बदलाव, अब पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनी भी खोल सकेंगे पंप। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, फेसबुक और गूगल को योग गुरु रामदेव बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया निर्देश। कमलेश तिवारी हत्याकांड में जोमेटो का डिलीवरी बॉय गिरफ्तार, कंपनी ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। पश्चिम बंगाल के कुछ विहार में भिड़े TMC और BJP के कार्यकर्ता, जमकर हुई तोड़फोड़, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। POK में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई तेज, लोगों की आवाज दबाने मुजफ्फराबाद में लगी इमरजेंसी। मंगलवार को POK में लोगों ने आजादी को लेकर किया प्रदर्शन, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बोला हमला। रेड गाउन में जानवी कपूर का दिखा ग्लैमरस अवतार, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। व्हाइट ड्रेस में सोनाक्षी सिन्हा का फोटो हुआ वायरल, दबंग 3 में चुलबुल पांडे की पत्नी के किरदार में आएंगी नजर। सामने आया दबंग 3 का ट्रेलर, चुलबुल पांडे ने फिर जीता फैंस का दिल। TikTok सुपरस्टार अवनीत कौर के किलर लुक से फैंस हुए घायल, फोटो हुआ वायरल। बिकनी में सारा अली खान ने शेयर की फोटो, श्रीलंका हॉलीडे का फोटो हुआ वायरल। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।